नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉपअप राउंड जो है उसका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके पहले मॉपअप पे मैंने कई सारे वीडियोस दिए। मैंने आपको देखो ये 12 मिनट का वीडियो दिया है, 12 मिनट का, जिसमें ये बताया कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में बताया। फिर ये वीडियो BHU के ऑफिस में मैं पता करके बताया था कि मॉपअप राउंड का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसी बीच मैंने आपको बताया कि एक्चुअली सोशल साइंस का BA 11th राउंड ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे मॉपअप राउंड का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक नया डैशबोर्ड लेते हैं जिस पे BHU ऑनलाइन हम लोग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है, BHUonline.in। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम क्यों देखें। आप भी देखो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें करेक्शन भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो जानना चाहिए कि हाँ उसको करेक्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 1000 बार एडिट कर सकते हो टाइम के पहले। कल 6 बजे के पहले आप, 16 तारीख को शाम होने से पहले आप जितनी बार चाहो इसको एडिट कर सकते हो। जस्ट मैंने क्लिक करा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है BHU का जो कि ओपन हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर ही आ गया है स्पॉट राउंड। 3 बजे राउंड आया था, 3:07 पे मुझे पता चला था और 3:30 या 4 बजे मैंने वीडियो बना के डाल दिया था। समझ लो सबसे पहले और सटीक BHU पाठशाला ऐसे ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये डैशबोर्ड हर कोई देख रहा होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट्स आएंगे, सर मेरा नहीं ओपन हो रहा है, तो ध्यान देना कि कभी कभी नेटवर्क ग्लिचेज होता है। देखो अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट कराया हूँ तो मेरा सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर। ध्यान देना कि यहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं पड़ेगा, जो CUT एग्ज़ाम दिया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिसमें इसमें डेट, इसमें मंथ और इसमें आपको अपना ईयर डालना है। और जैसे ही आप सर्च मारते हो, ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एक्चुअली मैं पहले से एक लोग का सर्च किया हुआ हूँ। ठीक है, मैं ऊपर देखो हाइड कर, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओ तो इसका मतलब मैं ऊपर हाइड किया हूँ। ऊपर जिस कैंडिडेट का मैं वीडियो बना रहा हूँ लेके, उसका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। ये जितना आपको दिख रहा है ये जस्ट उसके नीचे का है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोर्स अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड BSc बायो। ठीक है, यानी इस कैंडिडेट का ओनली BSc बायोलॉजी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बच्चे कई सारे कोर्स में होंगे, यहाँ पे लिखा होगा BA, यहीं पे लिखा होगा BCom, तो आप लोग, अब सबका को काउंसलिंग कराना है तो सब में क्लिक करो। मैं इनका भर रहा हूँ, देखो इन पे यहाँ क्लिक किया, बहुत सारे लोग का यहाँ पे कई सारा शो करेगा, तो आप सब क्लिक कर देना है क्योंकि आपको सबका काउंसलिंग कराना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी अवेलेबल है, यानी उस पर मैसेज जाए तो आप उसको रीड कर सको। यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, यानी जिस पे BHU कॉल करे तो आपको कॉल रिसीव हो जाए। और इस पे ऑप्शनल एक्टिव नंबर डालना है, यानी कि अपना पर्सनल नंबर डाल देना और अपने पापा या मम्मी का डाल देना। कुल मिला के ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो रिसीव हो जाए, और वो कॉल आपको सुबह से लेके रात 10-11 बजे कभी भी जा सकता है। मैं बताऊंगा कि कॉलिंग कब से शुरू होगा, अभी कॉलिंग शुरू नहीं हुआ है। और कॉलिंग ज़रूरी भी नहीं है कि एक ही टाइम पर सबका चालू हो। BSc वाले अलग कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले, मैथ वाले अलग कर सकते हैं, BA वाले अलग कर सकते हैं, VWOC वाले अलग कर सकते हैं। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। जैसे जैसे बच्चों का नंबर आएगा मेरिट के अकॉर्डिंग, वो कॉल करके बोलेंगे कि आपका पेमेंट जनरेट कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करो और फिर आपका पोर्टल लॉक कर रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे सर ये कैसे भरें, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कोर्स सब्जेक्ट प्रेफरेंस, कोर्स सब कॉम्बिनेशन सेम एज सीन ड्यूरिंग प्रेफरेंस एंट्री टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में वाटर मार्क जैसा दिख रहा होगा, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। इट मींस कि यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स लेना है, जैसे कि BHU BA का जो लड़का है वो यहाँ पे डाल देगा, सपोज यहाँ पे डाल देगा मैथ्स। ठीक है,
फिर डाल देगा, फिर डैश दे देना तुम लोग, या जो भी जैसे डैश दिया डैश दे देना इको, ठीक है आप लोग भी, फिर इको, फिर यहाँ पे स्टैट, मेरी बात समझ गए। फिर मान लो और भी चाहिए, टोटल यहाँ 10 भर सकते हो, 10 अपना बेस्ट भरना, ध्यान देना 10 अपना बेस्ट भरना, यानी मान लो 3 स्कोर्स है तो BLLB में भी चांस दिख रहा है, BLLB तो है ही नहीं इसमें, BA में भी चांस दिख रहा है, मैथ में भी चांस दिख रहा है, तो ऊपर के 3 मैथ डाल दिए, फिर उसके बाद BA के डाल दिए, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस पे इसमें 10 भर सकते हो। फिर मैंने मान लो भर लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर मैंने भर दिया हिस्ट्री, फिर मैंने भर दिया संस्कृत। ये कहाँ से भरोगे पता है, अपने मन से मत भरना, अपना प्रेफरेंस वाला फॉर्म जो नहीं है जो पोर्टल पे मिलता है, वहां जाके अपना देख लेना कि ऊपर के कौन कौन से प्रेफरेंसेज हैं, वो भर देना। अब पता है बच्चे क्या सोचेंगे कि सर जो भरेंगे वही मिलेगा, और ऐसा तो नहीं कि इसमें से अगर नहीं भरेंगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, वो एक बार आपको बताएंगे कि आपको ये दे रहे हैं, आप चाहो तो ये वाला ले लो, समझ लो मेरी बात, मतलब आप इसमें भरो कुछ भी, वो आपको एक बार ऑफर करेंगे। ये तो बस इसलिए भरवाया जा रहा है जिससे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑफर कर सके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी आपको ऑफर करेंगे, आपके मेरिट पे जो भी सब्जेक्ट आएगा एक बार बताया जाएगा, आप नहीं लोगे तब दूसरों को दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें क्या करना है, इसमें बस आपको टिक करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स रेगुलर सीट पे भी चाहिए, पेड पे मिलेगा तो भी मैं ले लूँगा, RGSC मिलेगा तो भी ले लूँगा। तो BA वाले तो RGSC में क्लिक कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BA का कोर्स RGSC में नहीं है, ठीक है, बाकी एफिलेटेड कॉलेज में लड़कियाँ जैसे हैं तो क्लिक कर देंगी, लड़के भी कर देंगे DAV के लिए, और यहाँ पे पेड एफिलेटेड के लिए भी, बस आपको यही करना है। तो ऑलमोस्ट कोई लड़का भी ऐसा नहीं है कि इसको ब्लैंक करेगा, सब भर देना, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से बस प्रोफार्मा है, ठीक है, वो आपके मेरिट के बेसिस पर ही ऑफर करेंगे, यही है कि अगर आप इसमें जैसे पेड क्लिक नहीं करोगे तो पेड ऑफर नहीं करेंगे, ये बात है। तो सब भर देना पूरा, 12 भर देना, 10 नहीं है 12 है ये पूरा, यहाँ लास्ट वाला एक्चुअली क्या है ना, कंपलसरी सब्जेक्ट दे रहा, 10 ही है ये, ऊपर एक कंपलसरी लैंग्वेज दे रखा है, मान लो इसमें आप देख रहे हो कि आर्ट्स में जा रहे हो मेन कैंपस, तो कई सारे लैंग्वेज होंगे, उर्दू होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ऐसे होता है ना, तो आप इसमें कोई भी भर दो, हिंदी भर दो या देख लेना जो भी होगा, ठीक है, अपना जो भी समझो भर देना, ठीक है, ये हो गया। अब एंसिलरी में जैसे सोशल वाले हैं तो उनके लिए एंसिलरी रहता है, तो एंसिलरी भर देना, अपना प्रिफ्रेंस देख लेना, जो भरे हो वही भर देना इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे अग्री करके अब सबमिट कर देना, हम सबमिट नहीं करेंगे, वैसे हम सबमिट कर भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एडिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और फाइनली इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे बार बार, तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बताना था वो यही मोबाइल नंबर है, इसके बगैर आपका सब काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, BHU पाठशाला ऑनेस्टली वर्किंग फॉर यू। और कोई भी अगर BHU पाठशाला को पे करना चाहता है, कुछ हेल्पिंग हैंड करना चाहता है, तो वो लोग देखो इस वाले नंबर पे, ठीक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग को, ठीक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, जो भी अभी तक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हो, चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, महादेव।